दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद पाटिलकर कल्याण होम्योपैथी क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज हमने वीडियो का विषय डिप्रेशन को लिया है, डिप्रेशन अवसाद। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत हो जाता है, या किसी के बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या किसी विद्यार्थी के एग्जाम में कोई फेल कर जाता है, तो स्वाभाविक है बहुत बड़ा निराशा होती है। लेकिन यह निराशा कुछ दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद निराशा है तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन किसी के साथ ऐसा भी होता है कि किसी अप्रिय घटना के बाद यह निराशा एक लंबे समय तक बना रहता है और उसके अंदर एक निगेटिव थॉट आ जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और कोई काम करना चाहता है तो ऐसा उसको लगता है कि काम करेंगे इस तरह का नुकसान होगा, इस तरह का नुकसान होगा, या कहीं जाना है तो इस तरह का एक्सीडेंट होगा, इस तरह की भावना उसके अंदर बना रहता है, यानी निगेटिव थॉट आ जाती है, या अपने आप में एक गिल्ट फीलिंग करने लगता है। कभी काल तो ऐसा होता है कि एक अनुचित विचार उसके दिमाग में चलने लगता है और कई दिनों तक नींद नहीं आती है या बहुत कम नींद आती है, थोड़े समय के लिए नींद आती है, वह भी गहरा नींद नहीं आती है। कभी काल तो ऐसा भी होता है कि किसी अवसाद के बाद, किसी डिप्रेशन के बाद आदमी को बहुत काफी नींद आने लगती है। कभी कभी लोगों को बहुत अधिक भूख लगने लगता है जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। कभी काल डिप्रेशन में ऐसा भी होता है कि भूख लगती ही नहीं है और वेट लॉस की समस्या आ जाती है और व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है। यदि थोड़ा सा भी कोई काम करता है तो उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगता है। तो दोस्तों ये सब है डिप्रेशन का सिम्टम। तो अब डिप्रेशन का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूं। डिप्रेशन का सबसे मुख्य दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, यानी किसी व्यक्ति का, कोई प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, या कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होती है, नुकसान होती है, उसके बाद वह उसके अंदर एक सैडनेस आती है, उसे सिर दर्द होने लगता है, पेट दर्द होता है, नींद नहीं आती है, या उसकी जो प्रवृत्ति होती है वह रोने का प्रवृत्ति होती है, कभी रोता है कभी हंसता है, बिल्कुल पागलपन सा आ जाता है, नींद नहीं आती है, यदि इस तरह का लक्षण है तो इग्नेशिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही उसकी जो मेंटल स्थिति है नॉर्मल हो जाएगा, उसे नींद भी आने लगेगी और बिल्कुल वह नॉर्मल हो जाएगा। अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। यदि किसी अप्रिय घटना के बाद व्यक्ति में बेचैनी आ जाता है, डिप्रेशन के बाद बेचैनी आ जाता है, उसे मृत्यु का भय सताने लगता है कि अब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम डेथ कर जाएंगे, इस तरह की भावना होती है और बेचैन हो जाता है, और ठंडा मौसम में और उसका बेचैनी बढ़ता है, यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 2 बार सुबह दो शाम सेवन करेंगे तो उसकी जो बेचैनी है वह ठीक हो जाएगी, वह बिल्कुल डिप्रेशन से नॉर्मल हो जाएगा। अगली दवा है एरम मेटालिकम। यदि किसी घटना के बाद, किसी अप्रिय घटना होने के बाद जो उसके अंदर जो सैडनेस आती है, उसके साथ एक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति आ जाती है, व्यक्ति में एक रोने की प्रवृत्ति आती है और आत्महत्या करना पसंद करता है, हालांकि थोड़ा सा म्यूजिक से उसे आराम महसूस होता है, यदि इस तरह से का लक्षण है तो एरम मेटालिकम 200 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसकी जो मेंटल स्थिति है ठीक हो जाएगा, उसकी जो अंदर जो सुसाइड की टेंडेंसी आई है वह सुसाइड की टेंडेंसी भी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार्बोनिकम यदि किसी
व्यक्ति के साथ असफलता या कोई घटना होती है और उसके बाद उसके अंदर जो उदासी आती है और बिल्कुल सुस्त हो जाता है, निराश हो जाता है और थका थका सा महसूस करता है और उसका जो मेंटल स्थिति है बिल्कुल कंफ्यूज सा हो जाता है, नींद नहीं आती है और उसे पसीना होने लगता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कैल्केरिया का आप 2 बूंद सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो बहुत जल्द ही उसकी जो मेंटल स्थिति है ठीक हो जाएगा, उसको नींद भी ठीक आने लगेगा और उसके अंदर जो थकान है, उसके जो मेंटल कंफ्यूजन है वह सब ठीक हो जाएगा। अगली दवा है कॉस्टिकम। यदि किसी दुख या हानि के बाद व्यक्ति में डिप्रेशन हो जाए और उसका याददाश्त खत्म हो जाए, वह हर चीज भूलने लगे और उसे विपिन मूड हो जाए यानी रोने की प्रवृत्ति आ जाए और उसका जो मेंटल स्थिति है बिल्कुल डल हो जाए, डल माइंडेड हो जाए और सहानुभूति अगर कोई देता है, सहानुभूति अगर देने पर क्रोधित हो जाए यानी कोई सहानुभूति देता है तो उसके अंदर एक क्रोध आ जाए, यदि इस तरह की भावना है तो कौष्टिकम 200 नंबर 2-2 बूंद करके सुबह शाम सेवन करेंगे तो उसकी डिप्रेशन जो है वह ठीक हो जाएगी। अगली दवा है सिमोसिफिगो। सिमोसिफिगो 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि डिप्रेशन के साथ उसके अंदर हीन भावना आ जाता है, नेगेटिव टॉड आ जाती है और उसे सिर में या गर्दन में दर्द होने लगता है तो उसे सिमोसिफिगो 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह शाम सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाए। अगली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि डिप्रेशन के साथ साथ व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, उसके अंदर जेलस भावना आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है और उसके अंदर एक संदेह, अगर कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उसे एक संदेह ऐसा होने लगता है कि हमारे बारे में हमारे शिकायत कर रहा है, इस तरह की उसके अंदर विचार आने लगती है और उसके अंदर एक और प्रवृत्ति चेंज होती है, वह किसी सब्जेक्ट पर वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है, जब किसी व्यक्ति से जब बात करता है तो सब्जेक्ट बदल बदल करके लगातार बात करते जाता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो लैकेसिस 200 नंबर सुबह के सुबह सेवन करेंगे तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में यह सारा लक्षण चला जाएगा। अगली दवा है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब 200 नंबर में सेवन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को किसी जगह तिरस्कार होता है यानी कोई उसे इंसल्ट करता है और उसके बाद वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वह अकेला और निराश रहने लगता है और म्यूजिक से भी उसे और उदासी आ जाती है, यदि इस तरह का लक्षण है तो नेत्रम का 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसका जो डिप्रेशन है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है नेत्रम मेरुटिकम। यदि कोई व्यक्ति को क्रोध, चिंता या डर के प्रभाव से बीमार हो जाता है या उसे अधकपारी या अनिद्रा या पीठ दर्द हो जाता है और उसे संतावना देने पर और बीमारी बढ़ती है और उसे निराश रहने की प्रवृत्ति आ जाती है तो नेत्रमीरिटिकम 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। अगली दवा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड 200 नंबर में सेवन करेंगे। यदि किसी की चिंता या क्रोध के बाद यदि उसे भूख न लगे और वह केवल ठंडा जूस पीना पसंद करे और उसका जो मेंटल स्थिति है बिल्कुल डल हो जाए तो फॉस्फोरिक एसिड 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसका जो सैडनेस है, उसका जो डिप्रेशन है वह ठीक हो जाएगा। अगली दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला में डिप्रेशन के बाद यदि किसी रोगी में, खास करके महिला रोगी में, एक रोने का प्रवृत्ति आ जाए, बात बात करते करते वह रोने लगे और जेरस प्रवृत्ति भी हो तो पल्सेटिला 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो वह डिप्रेशन बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है सीपीआर। यदि रोगी अकेला रहना पसंद करे यानी डिप्रेशन के बाद कोई घटना के बाद वह अकेला रहना पसंद करे और वह बिल्कुल क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाए
और उसे बहुत ज्यादा रोने की इच्छा हो, इसके साथ ही उसे पाचन संबंधी या अन्य संबंधी बीमारी हो, तो सीपिया 200 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन कराएंगे तो उसकी डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली दवा है एस्टेफिसिरिया। यदि किसी का कहीं कोई अपमान होता है और अपमान होने के बाद उसे सिर दर्द, दांत दर्द या पेट दर्द या नींद नहीं आने की बीमारी हो जाए, तो एस्टेफिसिरिया 200 नंबर दो दो बूंद करके 2 बार सुबह शाम सेवन कराएंगे तो बहुत जल्द ही उसका डिप्रेशन का जो कंप्लेन है वह ठीक हो जाएगा। अगली दवा है काली फॉस्फोरिका। दोस्तों, जो भी अभी हमने दवा बताए हैं उन दवाओं के सिम्टम के साथ साथ काली फॉस्फोरिका ये बिल्कुल कॉमन दवा है, हर तरह का मेंटल सिम्टम पर यह काम करती है। यह एक नर्व टॉनिक के रूप में भी माना जाता है और खास करके यदि किसी घटना के बाद लंबे समय तक डिप्रेशन का प्रभाव बना रहता है और नर्वसनेस हो जाता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, उदास रहने लगती है और वह घटना के बारे में लगातार सोचते ही रहता है, तो काली फॉस्फोरिकम 6 एक्सपोटेंसी में चर चर गोली करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो उसका जो मेंटल स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके डिप्रेशन का जो शिकायत है खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही पैसी फ्लोरा क्यूपोटेंसी में जो भी हमने अभी दवा बताए उन दवाओं के साथ पैसी फ्लोरा क्यूपोटेंसी 20-20 बूंद दवा आधे कप पानी के साथ 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन कराएंगे तो उसका मेंटल स्थिति ठीक हो जाएगी, नींद भी नॉर्मल आने लगेगा। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।